इस आज से हम बेन 10 की न्यू फैक्ट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका टाइटल है बेन 10 मिलियन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, हम सबका हीरो है बेन टेनिसन। पर बेन टेनिसन का हीरो कौन है? तो बेन टेनिसन का हीरो है कैंगरू कमांडो। 10 साल की उम्र से ही वो कैंगरू कमांडो को अपना हीरो मानता है और फ्यूचर में भी वही उसका हीरो है। वेल, बेन 10 क्लासिक में कैंगरू कमांडो को रियल में दिखाया गया है, लेकिन क्या आपको पता है बेन 10 का ये कैरेक्टर किसके ऊपर बेस्ड है? अगर पता है तो नीचे कमेंट में लिख दो, मैं जरूर पिन कर दूंगी। ओके, तो कैंगरू कमांडो का कैरेक्टर बैटमैन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए कैंगरू कमांडो का रियल फॉर्म अबेल नॉर्थ भी बैटमैन के रियल फॉर्म एडम वेस्ट सिमिलर है। फैक्ट नंबर 2, बेन 10 क्लासिक में सर्कस के नमूने के टोली को तो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जिसमें हमें ईश्वरव्रत नाम का एक कैरेक्टर भी देखने को मिलता है, जो खुद को अपने टोली का लीडर समझता है और जो अपने मुँह से एसिड के साथ भयानक बदबू भी छोड़ता है, जिसके बदबू में शायद ही कोई सर्वाइव कर पाएगा। उसके एसिड से पहले ही उसके बदबू से ही एक पर्सन का डेथ हो जाएगा। पर आपको क्या लगता है एसिड ब्रेथ के ब्रेथ का स्मेल कितना खतरनाक है? वेल, फ्रैंकेनस्टाइन ने एसिड ब्रेथ के स्मेल के बारे में कहा है कि इसका स्मेल ग्रैंपा मैक्स की कुकिंग जैसा ही भयानक है। इस तरह बेन ने ग्रैंपा मैक्स की कुकिंग की खुली आम बेइज्जती कर दिया था। ओ, ये उतना ही बदबूदार है जितना ग्रैंपा मैक्स का खाना। गजब बेइज्जती है। वीडियो को एक लाइक जरूर करना। हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ।